दोस्तों, आपने स्टार प्लस का लोकप्रिय शो एक हसीना थी तो जरूर देखा होगा, जो बहुत कम समय में लोकप्रिय हो गया। दर्शकों को इस सीरियल की कहानी बहुत पसंद आई थी, क्योंकि इस सीरियल की कहानी एक मल्टी टैलेंटेड लड़की पर आधारित थी, जो किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए डटी रहती है और अंत में अपने लक्ष्य को पा लेती है। लेकिन आज हम आपको इस सीरियल के बारे में नहीं, बल्कि सीरियल में काम करने वाले कलाकारों और उनके रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू करवाएंगे। अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं ना, तो वीडियो के अंत तक बने रहना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। नंबर 5, भुवनेश मान। इस सीरियल में भुवनेश मान ने मुख्य किरदार के तौर पर देव गोयंका का किरदार निभाया, जो कि दुर्गा ठाकुर के प्रेमी होते हैं और ये दुर्गा का काफी सपोर्ट करते हैं। इस सीरियल में इनका किरदार काफी सादगी भरा था, जिसे उन्होंने खूबसूरती से निभाया और इस किरदार के जरिए ये दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हो गए। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेता की पत्नी की, तो आपको बता दें इन्होंने शादी नहीं की है, ये भी सिंगल है और फिलहाल अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। नंबर 4, आयुब खान। इस सीरियल में आयुब खान ने राजनाथ गोयनका का किरदार निभाया, जो कि शौर्य के पापा होते हैं और अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, जिसके चलते वो अपने बेटे के हर अपराध में उनका साथ देते हैं और अपने बेटे के खिलाफ सबूत मिटाने में उनका साथ देते हैं। इस सीरियल में इनका किरदार नेगेटिव होता है, ये पर्दे पर काफी अच्छे से उतारते हैं इसे। दर्शकों ने इस सीरियल में इनके किरदार को बहुत पसंद किया और ये लोकप्रिय हो गए। लेकिन अगर बात करें इनकी रियल लाइफ पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम निहारिका खान है, जिनसे इन्होंने काफी सालों पहले शादी की। आज इसी शादी से इन्हें दो बच्चे हैं, जिनका नाम तोहरा खान और जोहरा खान है। आपकी जानकारी के लिए बता देंगे, इनकी पत्नी प्रोफेशन से कॉस्ट्यूम डिजाइनर के साथ साथ फिल्म अभिनेत्री भी है। इनकी पत्नी को फिल्म रॉक ऑन में काम करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने फिल्म द डर्टी पिक्चर के एक्ट्रेस की कॉस्ट्यूम भी डिजाइन की है, जिसके लिए इन्हें फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। नंबर 3, सिमोन सिंह। इस सीरियल में सिमोन सिंह ने साक्षी गोयनका का किरदार निभाया, जो कि राजनाथ गोयनका की पत्नी है और शौर्य की माँ है। इस सीरियल में इनका नेगेटिव किरदार था, जो अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। इस सीरियल में इन्होंने एक माँ के किरदार को अच्छे से निभाया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। अगर बात करें इनके रियल लाइफ पति की, तो इनके पति का नाम फरहाद समर है, जो कि फिल्म मेकर है। अगर बात करें इनके लव लाइफ की, तो इनकी पहली मुलाकात किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। 6 महीने डेट करने के बाद साल 2000 में दोनों ने शादी कर ली। नंबर 2, वत्सल सेठ। इस सीरियल में वत्सल सेठ ने मुख्य किरदार के तौर पर शौर्य गोयनका का किरदार निभाया, जो कि स्वभाव से काफी बिगड़ेल और धनी होता है। इस सीरियल में इन्होंने अपने किरदार को खूबसूरती से पर्दे पर उतारा और दर्शकों ने इस सीरियल में इनका बिगड़ेल स्वभाव काफी पसंद किया, जिसके चलते ये दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गए। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेता की रियल लाइफ पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम इशिता दत्ता है, जिनसे इन्होंने 2017 में शादी की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी पत्नी प्रोफेशन से इन्हीं की तरह अभिनेत्री है, जिन्होंने कई सीरियल में काम किया, जिनमें से कुछ सीरियल है एक घर बनाऊंगा, रिश्तों का सौदागर और बेपनाह प्यार। नंबर 1, संजीदा शेख। इस सीरियल में संजीदा शेख ने मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पर दुर्गा ठाकुर का किरदार निभाया, जो कि रिच, एजुकेटेड एंड कॉन्फिडेंट लड़की होती है और शौर्य गोयनका से अपनी बहन के गुनाहों का बदला लेने के लिए पूरी जान लगा देती है। दर्शकों ने इस सीरियल में इनके किरदार को बहुत पसंद किया और ये प्रसिद्ध हो गई। अगर बात करें इस अभिनेत्री के पति की, तो इनके पति का नाम आमिर अली है, जिनसे इन्होंने 2012 में शादी की। आपको बता दें, इनके पति प्रोफेशन से टेलीविजन एक्टर हैं, जिन्होंने कई सीरियल में काम किया है, जिनमें वो रहने वाली महलों की, सरोजनी, दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स और कहानी घर घर की जैसे सीरियल शामिल है। तो दोस्तों, आपको इस सीरियल में सबसे अच्छा किरदार किसका लगा, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बता दो और टीवी से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो।